आज तक के क्या कहते हैं ना कि इंटरव्यूज में इस तरह के अलग क्वेश्चन पूछने वाला पहला ही बंदा मिला है मुझे <laughs> सीखो रियाज करो फिर इंडस्ट्री में आओ फिर तुम वो फेविकोल से नहीं चिपकोगे तुम कीला मार के चिपकोगे मैं जब तक मैं कंधे पे जाऊंगा नहीं तब तक रियाज करता रहूंगा काम मिले ना मिले अलाहदाबाद सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरे सपने में मिलती है, ने दी है। और पहली बार मोहब्बत कौन है वो वो कैसी है वो, तेरे सपनों की रानी नमस्कार मैं हूँ सुरेश वाड़कर आपका नाचीज गायक और आपका जॉइन फिल्म

थैंक यू जी सर ये जो गाना आज आपने गाया है गीत तेरे लिए बस तेरे लिए ये मुश्किल गाने आपको ढूंढते हैं सरल होने के लिए या आपको पसंद आते हैं <laughs> नहीं नहीं कोई भी गाना सरल नहीं होता वो फिर इतना मेलोडियस खूबसूरत गाना हो या चालू गाना हो गाना तो होता ही गाने में डिफ़िकल्ट है बस वो जैसे राग रसोई पागड़ी होती है ना कभी कभी जम जाती है और संगीतकार अगर मेहनत करने वाले हों और बहुत प्यार से गवाएं तो बात बन जाती है लेकिन मैंने खुद पूरा गाना देखा सुना जब आप कर रहे थे उसको एक एक शब्द उस मतलब एक शब्द नहीं एक के पीछे एक शब्द बहुत मुश्किल मुश्किल शब्द जो लोग अगर आज के बोलना चाहें तो बोल नहीं सकते और आप उसको शुरू में ढाल के गा रहे हैं तो इसके पीछे ये जो तैयारी है आपकी ये कितनी महत्वपूर्ण है इसका तो क्रेडिट गुरुजनों को जाता है मेरे गुरुजी वैसे ही उर्दू शायर रहे हिंदी में भी बहुत अच्छा लिखते थे पंडित जियालाल वसन वसंत और बचपन से साहित्य से कविताओं से गज़लों से नजमों से बहुत प्यार रहा है और घर में हमारी या उर्दू बोली जाती थी या पंजाबी बोली जाती थी हालांकि मैं महाराष्ट्रियन हूँ मगर मेरा मेरी परवरिश मेरे गुरुजी के घर में हुई है तो साहित्य से स्पेशली शब्दों से बहुत प्यार है उसका उच्चारण किस तरह होना चाहिए या होता है ना कि मराठी आदमी है तो उसके उच्चारण में थोड़ा सा वो मराठीपन का झलक आ जा जाती है तो वो सब बचपन से हम लोगों ने हमको गुरुजी ने बहुत इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए हमेशा कहा है उसकी वजह से थोड़ा मदद हो जाती है और फिर वो संस्कृत भी हो क्योंकि संस्कृत में मैंने बहुत काम किया है ओके okay. और ये जो इस तरह आज के जो गाने में बहुत संस्कृताइज कुछ वर्ड्स थे बहुत खूबसूरत uh -huh. तो उसको उच्चारण करने में थोड़ी सी सहूलियत हो गई थी uh -huh. तो जब आज के टाइम पे गानों में मैंने जैसे पहले भी कहा कि मेलोडी की कमी शब्दों की कमी वो झलकती है ऐसे में जब ऐसा गाना चल के आपके पास आता है तो एज ए सिंगर कैसा लगता है बहुत हम लोग तो क्या कहते हैं ना कि उसको गाने का इतना वो बढ़ जाता है उत्साह उत्साह <laughs> और फिर उसमें दिलीप भैया ने इतने जज्बाती सुरों को पिरोया है उन्होंने mm -hmm. और वो बड़े मेलोडियस काम करने वाले घराने में से हैं mm -hmm. तो वो को, अगर चालू का चालू गाना भी होगा तो भी बड़े मेलोडियस होगा राइट right, right. तो ये सब उनका जादू उनकी जादू है हम तो बस वो सीख के पोपट का काम करते हैं और जितना बेस्ट हो सके अपना डाल सकते हैं उतना डाल के हम लोग कोशिश करते हैं सुरेश जी जब आपने करियर की शुरुआत की थी तब ये सब मॉडल नहीं अवेलेबल थे तो रियलिटी शो था ना डिजिटल मीडियम था ना यूट्यूब था कुछ भी नहीं था तब का संघर्ष तब की जो जगह आपने बनाई वो कैसे बनी या कैसे बनाई तब का संघर्ष तो बहुत कठिन था क्योंकि जल्दी से आपको एंट्री मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता था क्योंकि ऑलरेडी हमारे स्टॉलवर्ड्स हमारे जो भी बुज़ुर्ग हमारे वो सिंगर्स वो सब काम कर रहे थे मौजूद थे तो जाहिर है कि एक ओरिजिनल चीज़ मिल रही है तो एक नए को कैसे चांस मिले मतलब नए को ट्राई करना ये सब के बस की बात नहीं थी तो उसमें भी रविंद्र जैन साहब हैं या कल्याण जी भाई आनंद जी भाई हैं इन्होंने काफ़ी नए लोगों को उस जमाने में भी ब्रेक दी और जिसकी वजह से हम लोग आज खड़े हैं अगर दादू मेरी जिंदगी में नहीं आते रविंद्र जैन साहब तो आज कहाँ मैं दिखाई देता तो ये सब उन उनका श्रेय है उनका उनको क्रेडिट जाता है इसका और जल्दी से और उस जमाने में भी आपको तोल के आप कितने पानी में हैं ये देख के ही आपको कोई संगीतकार अगर आपको ब्रेक दे चांस दे तो वो पॉसिबिलिटी थी आज तो आपको रियलिटी शो में देखते हैं तो दूसरे दिन बुला लेते हैं कोई कहानी अच्छी हो गई तो भी बुला लेते हैं हाँ कोई कहानी तो भी अच्छी हुई तो बुला लेते हैं। <laughs> और खाली यहाँ नहीं यहाँ से बाहर भी बुलाया जाता है उनको तो ओवरनाइट स्टार हो जाते हैं हमको तो मेहनत करनी पड़ी उस पहले चांस के लिए। हाँ पहले चांस पहले चांस पहला, चा, पहला चांस तो मुझे भगवान के आशीर्वाद से एक कंपटीशन की वजह से मिला सुरसिंगार संसद की जिसमें दादू वन ऑफ द जजिस थे तो उन्होंने स्टेज पे बुला के ये कहा कि मैं इसमें से जो विनर होगा उसको मैं ब्रेक दूंगा और उन्होंने वादा निभाया तो उन्होंने वादा निभाया uh -huh. सा, एक साथ मेरे को दो तीन फिल्मों में जैसे पहली फिल्म थी पहेली uh -huh. okay. राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की उसके बाद मैंने मुड़के नहीं देखा uh -huh. <coughs> काम आता गया तो मैंने स्ट्रगल एज ए स्ट्रगल मैंने ऐसा कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं किया भगवान का आशीर्वाद था uh -huh. अब लगता है मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ <laughs> क्योंकि इतने बड़े समंदर में मैं तैरने की कोशिश कर रहा हूँ तो मगर ठीक है अगेन उसी से मिलता जुलता मेरा क्वेश्चन है क्योंकि उस समय सभी <coughs> थे सब जमे हुए गायक थे ऑडियंस भी उनकी बन चुकी थी ऐसे में जब आप आए तो एक वो ओरिजिनल स्टाइल ओरिजिनल साउंड निकल के आया और लोगों के दिल में एकदम से लग गया तो वो क्या मोमेंट था जब इस तरह के लोग पसंद करने लग गए गाने और आप एक खास जगह बना पाए खुशकिस्मत हूँ क्योंकि नई आवाज़ एक्सेप्ट करना ज़रा मुश्किल होता था मगर हो सकता है वो मेरा मेरी ख़ुशकिस्मती ही थी कि नई आवाज़ मतलब मेरी अलग आवाज़ थी तो हो सकता है लोगों ने जो हमारे संगीतकार हैं उन्होंने ध्यान दिया होगा कि चलो ये नई आवाज़ है इसको वरना अगर मैं किसी की आवाज़ को लेके आता तो हो सकता है इतनी जल्दी मैं इस्टेब्लिश भी नहीं हो पाता क्योंकि जो आप किसी को कॉपी करते हैं और वो बंदा दुनिया में ऑलरेडी काम कर रहा है तो आपका तो नंबर लगना उनके सामने बड़ा मुश्किल हो जाता है और एक तरीके से कहते हैं ना कि नई आवाज़ को रिकग्निशन जैसे मैं हूँ शैलेंद्र सिंह है उदित नारायण है ये हम लोग ओरिजिनल आवाजों में या हरिहरन है बाकी सब या रफी साहब को कॉपी करते आए या किशोर दा को कॉपी करते आए या कुछ लोग मुकेश जी को कॉपी करते आए उनको भी काम मिला काम तो भैया सबको मिलना चाहिए सही बात बाकी उसको मेंटेन करना उसको आगे तक ले जाना और जैसे मैं स्पेशली नाम लेना चाहता हूँ मेरा बेटा बेटे ही बेटे जैसा ही सोनू निगम वो हमारी इंडस्ट्री को मिला हुआ एक हीरा है अब उसने रफी साहब की आवाज को थोड़ा इम्पोर्टेंस देते देते एक दिन सडनली उसने अपना एक स्टैंड डेवलप कर दिया, कर दिया। ah. जैसे वो गाना था ना दिल दीवाना अनु मलिक का ah. उस गाने से उसने ऐसा टर्न मारा आज सोनू निगम की आवाज छोटा बच्चा भी सोनू जी गा रहे हैं ऐसा बोल सकते हैं वो ये नहीं बोल सकते कि वो, वो सोनू निगम जी जो रफी साहब जैसे गाते हैं ना वो नहीं अभी सोनू निगम डायरेक्ट कितनी खुशी की बात है कि इस तरह हर बंदे ने अगर कर दिया जाए तो उसकी एक अपनी इंडिविजुअलिटी बनेगी नॉर्मली होता ये है कि जब तक हमको काम की जरूरत होती है तब तक तो हम प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइज करते हैं रियाज़ करते हैं क्या आप आज भी रियाज करते हैं <coughs> मेरा रोज़ का भैया दो तीन तीन घंटे मिनिमम तीन घंटे का रियाज़ है क्योंकि उसके बिना मैं अगर खाना परोसा जाए तो खाना अच्छा नहीं लगता रियाज के बिना हाँ इतना इम्पोर्टेंट है रियाज़ या, 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 या मैं जब तक मैं कंधे पे जाऊंगा नहीं तब तक रियाज करता रहूंगा काम मिले ना मिले अलाहिदा बात है मगर मेरा जो मेरी मेंटेनेंस जो है मेरी देखिए रोज नहाना पड़ता है खाना खाना पड़ता है तो आपको जिसने रोटी रोजी दी है उसको संभालना उसका रियाज करना भी तो ज़रूरी है क्या जो नए सिंगर आने वाले हैं उनको आप यही समझ देना चाहोगे यही समझाता रहता हूँ मैं यही बोलना चाहता हूँ और मैं मेरे जहाँ पे भी मुझे इस इस तरह का क्वेश्चन किया जाता है मैं यही बोलता हूँ अच्छे गुरु के पास जाओ बाकायदा आठ दस साल सीखो रियाज करो फिर इंडस्ट्री में आओ फिर तुम वो फेविकोल से नहीं चिपकोगे तुम कीला मार के चिपकोगे जो बड़ी मुश्किल से निकलता है फिर तो रियाज के बिना अच्छा गाना सीखे बिना किसी ने भी आजमाना नहीं चाहिए वो आजमाइ में क्या हो जाता है फिर जल्दी से वो निकल जाता है छटक जाता है या उससे जो एक्सपेक्टेशन होती है वो उस पर नहीं उतरा तो वैसे ही निकल जाएगा ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत, बहुत बड़ी मेहरबानी तो ये थे सुरेश वाडेकर जी जितने अच्छे गायक उतने ही सहजता के साथ सरलता के साथ उन्होंने बताया कि आज भी रियाज उनके लिए एक जैसे जीवन के लिए ज़रूरी होता है उतना जरूरी है क्योंकि उसके बाद उनके लिए ज़िंदगी बेस्वाद नहीं हो जाती खाना भी बेस्वाद हो जाता है तैयारी बहुत ज़रूरी है हर चैंपियन जानता है कि अगर उसको कोई तारीफ नहीं मिल रही जब वो रियाज कर रहा है प्रैक्टिस कर रहा है कुछ भी नहीं मिल रहा कोई नहीं देख रहा लेकिन तब वो भी वो रियाज कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि जब वो परफॉर्म करेगा तभी कर पाएगा जब ये होगा